नमस्ते, मैं प्रीति। मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सत्तू की लस्सी बनाना बता रही हूँ। ये बहुत ही फायदेमंद है और शरीर को ठंडा रखती है। तो आइए जानें इसके लिए हमें किन-किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। 2 गिलास सत्तू की लस्सी बनाने के लिए हमें चाहिए चने का सत्तू 2 चम्मच और जौ का सत्तू 1 चम्मच। हमने इसमें दोनों सत्तू मिलाया हुआ है। नींबू का रस, 1 नींबू का रस, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, पुदीने की पत्तियां बारीक कटी हुई, 1 छोटा प्याज एकदम महीन बारीक कटा हुआ, काला नमक 1 छोटा चम्मच, भुना जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, पानी और आइस क्यूब। तो आइए लस्सी को बनाते हैं। सबसे पहले हम चने और जौ का सत्तू, जो हमने पहले से ही मिलाया हुआ है, उसे एक बर्तन में रख डालते हैं। अब इसमें नींबू का रस, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी पुदीने की पत्तियां, बारीक कटा हुआ प्याज, काला नमक 1/2 छोटा चम्मच और भुना पिसा जीरा 1/2 छोटा चम्मच। सभी चीजों को डालने के बाद अब इन्हें पहले हम मिला लेंगे। अब इसमें हम पानी डालते हैं। और सभी चीजों को घुलने तक अच्छे से मिलाएंगे। देखिए हमारी सभी चीजें अच्छे से मिल गई हैं। अब इसे हम ग्लास में निकालेंगे और उसमें बर्फ डालेंगे। तो देखिए हमारी ठंडी सत्तू की लस्सी सर्व करने के लिए तैयार है। तो आज आपने देखा कि कैसे जल्दी से घर में ही सत्तू की लस्सी को बनाया जा सकता है। ये गर्मियों के लिए बहुत लाभकारी होती है। मेरी इस रेसिपी को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्ते। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और अपने प्रश्नों और सुझावों को नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखिए। थैंक यू।